हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक लॉगिन ट्रांसपेरेंट फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे, जिसका डेमो जो है कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। पहले आपको यहाँ पे साइनअप करना होगा, तो हम यहाँ पे पहले साइनअप कर देते हैं। साइनअप करने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना आपको, तो जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ से लास्ट नेम लिख देंगे। पासवर्ड यहाँ से हम दे देंगे, फिर कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर करेंगे। जो न्यू यूजर रहेगा उसको यहाँ पे पहले साइन अप करना होगा, और उसको यहाँ पे पहले उसके बाद लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले साइन अप कर दिया उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर देंगे, ठीक है। ईमेल भी यहाँ से दे देते हैं। देने के बाद इसे हम जब साइन अप करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर साइन अप कम्प्लीटेड, ठीक है। कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे अगर साइन अप हो गया, साइन अप करने के बाद यहाँ से लॉगिन है, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे लॉगिन का दूसरा पेज जो है ओपन हो जाएगा। लॉगिन को ओपन होने के बाद यहाँ पे भी हम कोई नेम यहाँ से दे देते हैं, जो आपने वहाँ पे लॉगिन में लिखा था। पासवर्ड दे दिया, और जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सक्सेस का एक मैसेज यहाँ से जनरेट हो जाएगा और दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम डोंट सेव करते हैं। फिर आपको अगर गो बैक टू होम पेज पर जाना है, यहाँ पर होम पेज पर आ गए, और इसके बाद से अगर इसके पासवर्ड को यहाँ से रीसेट करना है या फिर फॉरगेट करना है तो कैसे करेंगे। जब इस पर रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू पेज यहाँ से जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यू पेज यहाँ पे जनरेट हो गया, तो ओल्ड पासवर्ड जो यहाँ पे था वो, और यहाँ पे न्यू पासवर्ड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड भी यहाँ से कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी यहाँ मैसेज जनरेट हो जाएगा, अलर्ट मैसेज। उसके बाद से फिर से हम गो बैक होम पेज पर जा सकते हैं, और अगर पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं, यहाँ से रीसेट कर दिया, यहाँ पर फॉरगेट किया, तो यहाँ पर दूसरे पेज पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ से भी इसके मेल को भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं और फिर सेंड कर सकते हैं इसके मेल पर। फिर मेल जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा और यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। फिर से गो बैक टू होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे, और इस तरह से बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है और एक प्रोफेशनल साइनअप पेज यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं और इसे हम क्रिएट करना सीखते हैं। तो इस पर हम पहले मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर आना है, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। फोल्डर का नेम हमने दे दिया ट्रांसपेरेंट फॉर्म। तो यहाँ पे हम HTML, CSS और JavaScript का यूज करने वाले हैं, और उसके बाद हम यहाँ से फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो पहले हमें एक HTML का पेज बना लेते हैं, HTML, CSS और JavaScript की फ़ाइल यहाँ से बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी सारी पेज है, CSS की फ़ाइल, HTML की पेज है, और जितनी सारी पेज जो है वो कम्प्लीट हो गया। होने के बाद यहाँ पे मैंने सारी कोडिंग जो है वो कंप्लीट कर दिया है। हम आपको इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे लॉगिन पेज है, लॉगिन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ गए हैं, और साइन अप पेज। इसके बाद से लॉगिन में जितने भी एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हम कर सकते हैं। वहाँ पर आप रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे करके यहाँ से आप रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा उस फील्ड को फिल करना, ठीक है। इसके बाद से पासवर्ड हो गया, इतना सब कम्प्लीट हो गया। और जब सेकंड पे आएंगे, यहाँ से सेकंड पे देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारी जो फॉर्म है, यहाँ पे जो CSS की फाइल है LOGN की, यहाँ से हमारी फाइल्स हो गई। इसके बाद से अब हम इसका सोर्स कोड है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब हम इसे सिंपली इसे रन करा के देखते हैं। तो हमारी सारी फाइल कम्प्लीट हो गई है, इसे हम रन करा के देखेंगे। तो रन आपको यहाँ से कराना है, कंट्रोल सी इसके पाथ को कर लेना है, और यहाँ पे जो लॉगिन का पेज है इस पर हम रन कराते हैं, क्योंकि होम पेज हमारा यही है। LOGN से यहाँ पे मैंने सेव किया है। आपको न्यू पेज पे यहाँ पे आना है, पेस्ट कर देना है, logn.html कर देना है, और उसके बाद इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो पेज है वो जनरेट हो गया। इसके बाद से यहाँ पे अगर देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, डी पासवर्ड भी डी किया मैंने, लॉगिन किया, तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल का एक मैसेज जनरेट हो गया और न्यू पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। फिर साइनअप पे क्लिक करेंगे तो साइनअप वाला आ गया, तो यहाँ पे भी मैसेज जनरेट हो रहा है, यानी वर्क कर रहा है प्रॉपर। रिसेट पे भी आ जा रहा, और फॉरगेट पासवर्ड पे भी यहाँ पे रिडायरेक्ट होके आ जा रहा। इसके बाद से अब हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने CSS फाइल्स में जो बैकग्राउंड कलर है वहाँ से उसे देना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेजेज हैं, उस इमेज को हम वहाँ से दे देते हैं।
तो उस इमेज के लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पहले इमेज को वहाँ पे सेव रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेज हैं, इस इमेज को भी मैंने यहाँ से आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट होने के बाद अब हम आपको CSS यहाँ पे देख सकते हैं। अगर लॉगिन में यहाँ पे कोई इमेज डालना है, यहाँ से जो हमारा लॉगिन पेज है, इस लॉगिन पेज में इसका जो बैकग्राउंड का जो इमेज है वो हम देना चाहते हैं। और यहाँ पे जो जो फॉर्म है देखिए ट्रांसपेरेंट है और बैकग्राउंड कलर इसके अंदर यहाँ से सब दिख रहा है। तो इस इमेज को मैंने डाल दिया और इसके लॉगिन पेज का जो CSS फॉर्म है यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपका जो यहाँ पे बॉडी टैग में आना है, बॉडी टैग में आने के बाद यहाँ पे जो कलर है उसका वाइट कलर कर दिया है। फिर बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड में जो भी कलर यहाँ पे सेट करना चाहते हैं बैकग्राउंड लिखेंगे, यहाँ पे URL लिखेंगे और जो भी इमेज आप वहाँ से देना चाहते हैं लाइक दैट। यहाँ से जो 6 नंबर का जो इमेज है मेरा, इसे मैंने ओपन कर लिया। तो देखिए हमारा ये इमेज है, इस इमेज को हम बैकग्राउंड में वहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो जिस नेम से सेव है 6.png सेव है, तो यहाँ से आपको कर देना 6.png। इसी तरह से सारे फाइल्स में यहाँ से चेंज करना है, स्टाइल और CSS में आएंगे तो img.png, जो भी बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे इमेज जो है वहाँ से सेट हो जाएगा। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर वीडियो को फिर से इसको देख सकते हैं। अब हम इसको कंट्रोल एस कर देंगे, सेव कर देंगे सारी फाइल्स को। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट फॉर्म मैंने बनाया था, सारी फाइल जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसे कंट्रोल सी कर देंगे, आपको आना यहाँ पे, इसे आप सिंपली यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज है वो सेट हो गया। आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर में कोई दूसरा इमेज भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे साइन अप फॉर्म देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमारा फॉर्म जो है और वर्क कर रहा था, मैंने देखा था पिछली बार। इसके बाद साइन अप फॉर्म पे आ गया, लॉगिन फॉर्म, लॉगिन दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहा। यहाँ पे रिसेट पासवर्ड किया, सेव किया, यहाँ पे भी अलर्ट मैसेज यहाँ से जनरेट हो गया। फिर फॉरगेट पासवर्ड किया, यहाँ से भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है और इसमें एडिटिंग करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल लुक ये इसमें शो हो जाएगा। तो इस तरह से एक साइन अप पेज यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।